दोस्तों, बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस आलिया भट्ट एक बार फिर ट्रोलिंग का शिकार होती हुई नजर आईं, जहां कई लोगों ने उन्हें नशेड़ी तक कह दिया। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिस वजह से लोग आलिया भट्ट पर नशा करने का इल्जाम लगा रहे हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र के पोस्टर सामने आ रहे हैं, जिसके चलते लोगों में काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। और इन दिनों आलिया भट्ट क्राउड के बीच फंसती हुई भी दिखाई दी, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आलिया भट्ट की कई हिट फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनमें RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में शामिल हैं। हाल ही में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर डिनर के लिए मुंबई के जुहू पहुंचे थे। इस मौके पर आलिया के साथ उनकी बहन शाहीन भट्ट भी थी, साथ ही कई और फ्रेंड्स भी थे। इस मौके के कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें से एक वीडियो में रणबीर आलिया को भीड़ के बीच प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो डिनर के बाद का है, जहां आलिया पहले शाहीन को कार तक छोड़ने जाती हैं और उनसे गले मिलकर उन्हें बाय कहती हैं, जिसके बाद आलिया अपनी कार की तरफ मुड़ती हैं, जहां उनके साथ पीछे काफी भीड़ भी नजर आ रही है। इस दौरान रणबीर आलिया को कार तक प्रोटेक्ट करते हुए लेकर आते हैं और पहले उन्हें कार के अंदर बिठाते हैं, उसके बाद रणबीर भी दूसरी ओर से जाकर इसी कार में बैठते हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो में आलिया भट्ट के फेस एक्सप्रेशन से लोग कह रहे हैं कि आलिया भट्ट पूरी नशेड़ी लग रही हैं, जहां एक यूजर ने कहा कि इसने ड्रिंक की हुई है, तो वहीं दूसरे यूजर ने कहा आलिया कम्प्लीटली स्टोन्ड लग रही हैं। कई और लोगों ने कहा कि आलिया भट्ट फुल ऑन बेवड़ी लग रही हैं। कुछ इस तरह से आलिया भट्ट को सभी के सामने ट्रोल किया गया। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे आलिया भट्ट के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।